नमस्कार दोस्तों, बिस्पी और ऋतु की महत्वपूर्ण बातें इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज को हमारा पहला जो पॉइंट है वो ये है कि सत्कृत्य मतलब क्या, मतलब जो अच्छे काम होते हैं या फिर अच्छे कर्म होते हैं उसके बारे में बिस्पी और ऋतु हमसे ये कहते हैं कि जो कर्म हमने पूरी तरह से निस्वार्थ रीति से किया है, मतलब उसमें मेरा तो कुछ भला नहीं होने वाला, फिर भी मैं समझो कुछ कर्म करता हूँ तो उसे निस्वार्थ रीति से किया हुआ कर्म कहा जाता है, और अगर उसमें स्वार्थ का थोड़ा सा भी अंश हुआ तो उसे सत्कर्म नहीं किया कह सकते। तो विस्पी और ऋतु हमसे यही कहते हैं कि जो हमारे सत्कर्म होते हैं, मतलब कोई इंसान अगर निस्वार्थ रीति से कुछ करता है दुनिया के लिए, समाज के लिए, किसी इंसान के लिए, तो वो उसके प्रगति के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होता है। और उन्होंने यही कहा है कि अगर कोई अच्छे कर्म, मतलब ऐसे जिसके इंसान के ऐसे सत्कर्म होंगे तो वो बहुत ही जल्द ऊपर जा सकता है। लेकिन उन्होंने एक बात ऐसी कही है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब पृथ्वी के जो हम सब जो लोग हैं उनको ऐसा बहुत बार ऐसा लगता है कि समझो मैंने किसी का अच्छा किया तो मैं स्वर्ग में, वो यही कहते हैं कि आत्मलोक वगैरह कहने नहीं कहते, वो यही कहते हैं कि हम स्वर्ग में बहुत ही ऊँचे स्थान पर जाएंगे, और जो भी हमने पाप किए हैं, मतलब जो हमारे निगेटिव कर्म हैं, जो हमने स्वार्थ बुद्धि से किए हैं, उसको इरेज किया जाएगा, उसको नष्ट किया जाएगा। मतलब हमें थोड़ा सा एक सिंपल से बताऊँ तो हमें माफ़ किया जाएगा हमने जो भी बुरे कर्म किए हैं उसको लेकर, ऐसा कहा जाता है। लेकिन विस्पी और ऋतु हमसे यही कहते हैं कि यह बहुत ही गलत धारणा है, यह बहुत ही निकृष्ट जरदेज की जिसे कहा जाता है वैसी धारणा है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली वहाँ पर लिखा है कि अगर हम स्वार्थ से कुछ करें, मतलब कोई समझो भिखारी है, समझो वो पैसे मांग रहा है, हम रास्ते से जा रहे हैं तो मेरा कुछ स्वर्ग में अच्छा हो इसलिए अगर हमने उससे मदद की तो वो अच्छा तो कर्म माना ही नहीं जाएगा, लेकिन उससे और हमारा नेगेटिव कर्म बढ़ जाएगा। अब आपको थोड़ा सा लग सकता है शॉक, क्योंकि या फिर ऐसा लग सकता है कि ऐसा क्यों हो, ये तो नाइंसाफ़ी हुई। लेकिन इस पर तो हमसे ये कहते हैं कि आप उसे मतलब दिल बड़ा करके तो कुछ नहीं दे रहे, खुद के फ़ायदे के लिए दे रहे, और जब खुद का फ़ायदा आता है तब वो वहाँ पर स्वार्थ आता है, और स्वार्थ जो है वो आपको निचले स्तर पर ही लेके जाएगा। तो एक बात उन्होंने यही कही है कि जो अगर हम जो भी अच्छा काम कर रहे हैं वो पूरी तरह से नेचुरली, जिसे कहा जाता है नैसर्गिक रीति से ही आपके दिल में आना चाहिए, मतलब आपके दिल में वो आना चाहिए और उसके बाद वो अपने करना चाहिए। अब हमारे दिल में तो डायरेक्टली नहीं आएगा कोई, मतलब अच्छे विचारों का अगर इंसान हो तो उसके दिल में आ सकती है ये सारी चीज़ें, लेकिन अगर हम किसी का उपदेश सुनते हैं या फिर हम भगवद गीता पढ़ते हैं या फिर कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, और अगर हमारे दिल में कुछ अच्छा आए या फिर किसी का उपदेश हम सुनते हैं, किसी की प्रवचन वगैरह सुनकर अगर हमारे दिल में कुछ अच्छा समझो आता है, तो उस पर आपको मतलब ध्यान देना चाहिए कि हाँ मेरे दिल में अच्छा आया या फिर मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, तो इस तरह से हमें खुद को बदलना होगा। और विस्पी और ऋतु हमसे यही कहते हैं कि जो ऐसे कर्म होते हैं वो हमें ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, मतलब अगर आप सत्कर्म करते हैं तो उसके बारे में ना सोचे। वो तो यही कहते हैं कि आप कुछ मतलब मदद करो और उसके बाद भूल जाओ किसी को, मतलब बड़प्पन या फिर कहते हैं ना कि अपने डेंगे मत हाँको कि मैंने ये किया और वो किया, तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो वो सारा चीज़ें फुकड़ जाएगा, मतलब वो तरह से नष्ट हो जाएंगे आपने जो भी अच्छा किया है, इसलिए आप दिल में कुछ भी नहीं कहो। जो बड़े बड़े संत थे उन्होंने कभी नहीं लिखा कि हमने कुछ ऐसा किया, उन्होंने कभी किसी को हायर नहीं किया कि मेरी कहानी लिखो। बहुत संतों के पास बहुत लोग आते थे मतलब अपने परेशानियाँ दूर करने के लिए, तो उन्होंने किसी को ऐसा नहीं बिठाया कि सारे लोगों को मैंने करी किस तरह से परेशानियाँ उनकी दूर की इसके बारे में तुम लिखो। तो बड़े जो संतों की निशानियाँ होती है वही हमसे कहते हैं विस्पी और ऋतु कि आप इस तरह से कर्म ना करें जिससे आप और निचले स्तर पर जाएंगे। तो वो हमसे यही कहते हैं कि जो आपके दिल में अच्छी मतलब चीज़ें हैं वो नैसर्गिक रीति से आनी चाहिए, ना कि मेरे मतलब दिल में। नैसर्गिक रीति से मतलब क्या कि आप अगर समझो कुछ अच्छा सुना है और उस वजह से तुम अच्छा करने हो तो उसे हम अच्छा ही कहेंगे, लेकिन मेरा कुछ अच्छा होना चाहिए इसलिए अगर हम कुछ किसी का अच्छा करते हो तो वो स्वार्थ हुआ, तो इस तरह से आप कर्म ना करें। तो इस जो भाग में विस्पी और ऋतु हमसे आखिरी में बताते हैं वो यही कहते हैं कि आप अगर किसी के लिए कुछ करते हो तो उस कर्म को भूल जाओ जिससे वो सत्कर्म में बदल सकता है। बहुत बार थोड़ी सी परेशानी होती है मुझे पता है, कभी कभी कुछ हम कोई इंसान समझो अच्छा नहीं है तो वो जब ऐसा कुछ करता है तो उसके दिल में हाँ मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ऐसी चीज़ें आएंगी। लेकिन अगर मेरा भी उदाहरण दूँ, लेकिन अगर मैं प्रयास करूँ कि मैं उन सारी चीज़ों को भूलने की कोशिश करूँ तो ये सारी चीज़ें आपके दिल में धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी, और आपको मतलब ऐसा होगा कि आप किसी को मतलब जानेंगी भी नहीं लेकिन आपके सामने कोई खड़ा होकर ये कहेगा कि आपने मुझे मदद की थी और आपने मुझसे कुछ भी नहीं लिया था, तब आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने तो ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया है। तो यही है सत्कर्म, मतलब ऐसा कर्म जो भी जो हम किसी के लिए कुछ करते हैं और दिल में कुछ भी ख्याल नहीं रहता कि मैं इसके लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ या फिर इसका मुझे कुछ
स्वर्ग में या फिर इस दुनिया में कुछ मिलना चाहिए, तो इस तरह से हमें नहीं कर्म करना चाहिए। मैं सच कहता हूँ कि ये सारी बातें थोड़ी सी कठिन लग सकती है शुरुआत में। सचमुच बहुत लोगों मैंने ऐसे देखा है कि लोग उनके अच्छे बोले इसलिए वो सारी चीज़ें करते हैं, तो ऐसे लोगों को तो ये बहुत ही मुश्किल लग सकता है। लेकिन एक दो बार अगर आप प्रयास करेंगे तो ये सचमुच मुश्किल नहीं है। इस तरह से आप बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो, जिससे आपका आत्मलोक में और इस लोक में बहुत ही भला हो सकता है। तो इसके बाद का जो आज का पॉइंट है हमारा दूसरा, उसका नाम है बदला। बदला मतलब इस पे और तो हमसे ये कहते हैं कि बदले के बारे में उन्होंने थोड़ा बहुत ऐसा लिखा है। वो कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ लोगों को बदले का अर्थ नहीं पता होता कि आखिर बदले का मतलब क्या है। तो वो हमसे उदाहरण के लिए कहते हैं कि समझो पीटर और केटी नाम की कोई लड़की है और पीटर नाम का कोई लड़का है, और पीटर बहुत ही द्वेष करता है केटी का। तो अगर पीटर लोगों के सामने कहे कि वो मतलब खामखा उसके बारे में कुछ बुला भरा कहे और उसे फंसाने की कोशिश करे, मतलब किसी के कान भरे उसके ख़िलाफ़, तो दुनिया उसको बुरा भला कहने लगेगी या फिर दुनिया उसको झूठा कहने लगेगी या फिर दुनिया उसको गलत नज़र से देखने लगेगी। तो अगर समझो ये बात केटी को पता चली तो केटी क्या करेगी कि समझो उसने लोगों से सब लोगों से कहा कि पीटर ऐसा है या फिर पीटर मेरे बारे में या फिर पीटर एक बुरा इंसान है, उसके सामने तुम ज़्यादा उसके सामने तुम विश्वास से कुछ ना कहो भरोसे से, क्योंकि वो भविष्य में आपके साथ कुछ भी कर सकता है। तो विस्पी और तो हमसे ये कहते हैं कि ये आपको लग सकता है कि केटी बदला ले रही है, मतलब उसको पता है कि पीटर उसका कुछ बुरा कर रहा है इसलिए वो इस तरह की बातें कर रही है। लेकिन विस्पी और हमसे ये कहते हैं कि ऐसे वक्त में आपके जो कर्म है उसको गलत नज़र से आत्मलोक में नहीं देखा जाएगा बड़ी आत्माओं के नज़र से। क्यों? क्योंकि उससे दो चीज़ें अच्छी हो रही है, एक तो पीटर का जो कहते हैं ना कि असली चेहरा लोगों के सामने आ रहा है, और दूसरा अच्छा चीज़ हो रही है कि कोई और फंसेगा नहीं, मतलब जिस तरह से केटी की उसने बदनामी की उस तरह से कोई नहीं फंसेगा। तो इस पर तो हमसे यही कहते हैं कि अगर कोई ऐसा बदला हो जिसमें लोगों का कुछ फ़ायदा हो, मतलब लोगों के लिए आप कुछ अच्छे दिल से कुछ कर रहे हो, मतलब आपके दिल में स्वार्थ नहीं है सिर्फ लोगों का भला हो या फिर आपके साथ किसी ने ऐसा कुछ किया हो और उसके खामियाजे में आप लोगों के लिए भी मतलब कुछ अच्छा रख के जा रहे हो जिससे वो भी ना फंसे, तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ हुई। तो ऐसे बदले को एक अच्छा बदला के रूप में देखा जाएगा। ऐसे बदले को उसने केटी के साथ बुरा किया तो केटी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, जाने दो उसको, बड़े दिल से माफ़ करो, इस तरह से उन्होंने कहा है कि आप बर्ताव ना करें, आप अगर दुनिया को मतलब उसका असली चेहरा ला सकते हो तो इस तरह से करिए। ऐसे हम ऐसे कहते हैं विस्पी और ऋतु हमसे। ये बात हुई विस्पी और ऋतु की। इसके बाद आखिर में इस यहाँ पे लाइन ऐसी है कि बहुत बार पृथ्वी के लोगों को अच्छाई और बुराई के बारे में ज़्यादा नहीं कुछ पता चलता। ये एक बात हुई, लेकिन पृथ्वी पे ऐसे मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा सा आपको कहूँ तो शाणे लोग ऐसे होते हैं कि वो अब जो कैसे मतलब किसी का बुरा करेंगे और वो ऐसे दिखाएंगे लोगों को कि उन्होंने किसी वजह से वो बुरा किया था। तो इस तरह के भी बहुत लोग हैं, तो ऐसे लोगों को मैं क्या कहूँ। तो इस तरह की अगर बातें कहूँ तो मैं थोड़ा डर जाता हूँ, क्योंकि आजकल ऐसे लोग हैं कि किसी को मतलब सच कहूँ तो किसी को मार भी डालेंगे और कहेंगे कि ये मुझ पर हमला कर रहा था और मार डाला होता है उन्होंने किसी और चीज़ के लिए, ऐसे केसेस हुए हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अब मार डालने की तो बहुत ही बुरी बात हुई, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें किसी को हम मतलब थोड़ी सी परेशानी देते हैं और उसके बाद कहेंगे कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। कभी कभी मैं ऐसे लोगों को भी देखता हूँ कि वहाँ पे हमें ले जाने के लिए वहाँ पे उनको आना होता है और हम स्विच ऑफ कर देते हैं मोबाइल और हम नहीं वहाँ पे जाते, उनको बहुत ही ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है और उसके बाद हम कहते हैं कि नेटवर्क चला गया था। तो ये ऐसी भी चीज़ें होती है, मतलब हम दिखाते हैं कि मैंने जानबूझ के सारी चीज़ें नहीं की, लेकिन उनको ही पता होता है कि ये सच है। तो इस तरह से अगर हम करेंगे कुछ कर्म, ऐसे नहीं होंगे बहुत लोग मुझे पता है, लेकिन फिर भी अगर कोई हो तो उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये दिखावे का ज़िंदगी नहीं है, ये भारतीय या फिर कोई भी कोर्ट की बात नहीं है कि आप सबूत दिखाओ। वो सबूत कैसे भी आपने पैदा किए होंगे चलेगा, ऐसा ज़रा भी नहीं है। आपके दिल को देखा जाता है और आपके जो कर्म है, जैसे कि मैंने आप एक वीडियो बनाई थी आपने देखी होगी कि हमारे कर्म कौन लिखता है, तो वो तो उसको तो हम रिश्वत नहीं दे सकते या फिर उसको हम कोई भी प्रलोभन नहीं दे सकते। आपके सारे कर्म, आपके दिल में जो भी चीज़ें हैं वो सारी लिखी जा रही है, इसलिए आप ऐसा ज़रा भी ना सोचे कि मैं किसी को फंसाऊंगा या फिर अपनी चीज़ गलत तरीके से अगर मैं लोगों को बताऊंगा तो वो मेरी पूरी बातों का मतलब सच समझ लगेंगे हमारी बातों को, तो ऐसा ज़रा भी नहीं है। आप अपनी बातों को मतलब जितने सही ढंग से कहे या फिर दिल से आप अगर सच्चे हो तो आप जो भी कहे तो वो अच्छा होगा, क्योंकि आप दिल के मतलब आपके दिल में कुछ भी स्वार्थ नहीं है। तो इस तरह से आपको अगर जिएंगे तो आप इस तरह से अच्छे मार्ग पर चल सकते हैं। क्योंकि केटी और पीटर की अगर हम बात करें तो उसने तो अच्छे के लिए किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि दूसरे
का बुरा करेंगे और कहेंगे कि मैं दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो ऐसा आप ज़रा भी ना करें। आप करते समय आपको जो भी पता होता है कि अच्छा है तो उस तरह से आप करें, ना कि किसी को फंसाने के लिए या फिर किसी को मतलब खुद के फ़ायदे के लिए कुछ ऐसा ना करें जिससे आपका और आप निचले स्तर पर जाए। तो यही बात है विस्पर ऋतु की। इसके बाद विस्पर ऋतु हमसे एक कहानी बताते हैं और उस कहानी का नाम दिया है उन्होंने सुरेश की कहानी। सुरेश, मैं आपको कहानी वो कहते हूँ कि सुरेश एक बहुत ही अच्छा इंसान है, वो ज़्यादा बुरा भी नहीं है और बहुत ही अच्छा इंसान भी ऐसा नहीं है, मतलब एक नॉर्मल इंसान जैसे होते हैं वैसा है। लेकिन वो थोड़ा सा प्रलोभन में, लोभ में थोड़ा सा आता है या फिर काम में आता है। वो एक औरत होती है जिसका पति नहीं होता, ऐसे औरत के चक्कर में फंस जाता है और वो औरत भी उसे अपने चंगुल में फंसाती है। सुरेश की शादी हुई है और उसे बच्चे भी है और वो औरत उसके मतलब बहुत फंसाती है। सुरेश एक बहुत ही अच्छी मतलब उसकी परिस्थिति है, वो अमीर है, मतलब अच्छी परिस्थिति है उसकी, आर्थिक हालत अच्छी है। तो वो लड़की भी उससे बहुत सारी चीज़ें, गहने वगैरह उससे लूटती है वगैरह, इस तरह से वो जीता है। धीरे धीरे क्या होता है कि सुरेश डूब जाता है उस लड़की में, उसके पैर में वगैरह। तो उसके बाद धीरे धीरे ये बात इतनी बढ़ती है कि बाद में एक दिन सुरेश के जो पिताजी है उनको पता चलता है कि सुरेश इस तरह से एक औरत पे पैसे उड़ा रहा है, वो औरत उसे फंसा रही है और शादी के बाद अगर वो इस तरह से कर्म करता है तो वो बहुत ही बुरी चीज़ हुई। तो वो सुरेश को बहुत समझाते हैं, उसे डांटते हैं कि ऐसा ना करो जिससे तुम्हारा परिवार पूरी तरह से बिखर जाएगा और अपनी पत्नी के मतलब पत्नी को इस तरह से तुम ना फंसाओ। सुरेश एक अच्छा आत्मा होता है, इसलिए उसे सारी चीज़ें समझ आती है, वो मतलब एक बार ही समझने पर पूरी सारी चीज़ें समझ जाता है। उसके बाद सुरेश उस औरत से पूरे अपने रिश्ते तोड़ देता है और उससे फिर से नहीं मिलता। लेकिन उस लड़की को आदत हुई थी सुरेश की और उसके जो पैसे थे गहने वगैरह की, तो वो जानबूझ के क्या करती है, उसको ब्लैकमेल करती है। मतलब वो सुरेश ने मुझे एक शादी का वादा किया था, मैं उसके साथ जीने वाली थी, ऐसी बातें वो कहती है। और एक दिन वो उसके घर में ही चली जाती है और उसके पत्नी और उसकी माता को कहती है कि इसने मुझे फंसाया है वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जब उसके परिवार वालों को पता चलता है कि ये सच बोल रही है, थोड़ी बहुत तो चीज़ें सच्ची होंगी, थोड़ा बहुत वो मिर्च मसाला लगा के कहती है। तो ये सारी जब चीज़ें उसके घर वालों को पता चलती है, उसकी माँ को तो बहुत बड़ा शौक लगता है कि मैं इस बेटे को तो बहुत ही अच्छा समझ रही थी लेकिन ये ऐसा कैसे लोगों के सामने मतलब ये इन सारी चीज़ों में पकड़ पड़ा। तो उसकी माँ को इतना टेंशन आता है, इतना शौक बैठता है कि वो उसी दिन उसकी मौत हो जाती है। सुरेश की पत्नी को भी बहुत ही गुस्सा आता है कि मेरा पति ऐसा कैसा मतलब है, और वो भी उसके जब अंतर संस्कार होते हैं उसकी माँ के, तब वो अपने बच्चों को लेकर घर दूसरे घर चली जाती है। मतलब एक उस लड़की के वजह से क्या होता है कि उनका पूरा परिवार बिखर गया, पूरी परिवार टूट गया और एक मतलब उसके माताजी की तो मौत हो गई, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। तो सुरेश और उसके पिताजी पूरी तरह से अब आग में बिलस रहे हैं, बदले की आग में। मतलब वो अब ये चाह रहे हैं कि जिसने उनके घर को तोड़ा है, जिसने उस सारी चीज़ों को मतलब जो भी सपने उन्होंने देखे थे उसको ख़त्म किया है, उस लड़की को भी हमें ज़िंदा नहीं रखना चाहिए। मतलब सुरेश और उसके जो पिता है वो यही मतलब उसका प्लानिंग करते हैं कि हम उस लड़की को मार ही डालते हैं जिसने हमारे साथ इतना बुरा किया। वो इस तरह से मतलब कन्फर्म होते हैं कि ऐसा करना है। लेकिन ऐसे वक्त में उनके घर में कोई उनके दोस्त आते हैं, एक अच्छी आत्मा आती है, मतलब एक अच्छा इंसान आता है। तो ये लोग उससे भरोसे के लायक होता है, इसलिए उनसे कहते हैं कि हमारे साथ जिस लड़की ने ये सारी चीज़ें की है हम उसे मार डालना चाहते हैं, हम उसे नहीं ज़िंदा रखेंगे क्योंकि उसने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। तो वो जो पवित्र आत्मा होती है, वो जो अच्छा इंसान होता है, वो उनसे ये कहता है कि तुम इस तरह से ना सोचो, अगर तुम इस तरह से कुछ कर्म करते हो तो उसका तो बुरा होगा ही, उस लड़की का, लेकिन उससे ज़्यादा तुम्हारा बुरा होगा, तुम बहुत ही निचले स्तर पर जाओगे। और अगर तुम निचले स्तर पर गए तो तुम स्वर्ग में अपनी माँ से नहीं मिल पाओगे, इसलिए तुम इस तरह से ना सोचो। तुम एक काम करो, अगर तुमने उसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है, तुम लोगों को बताओ उसके बारे में, कुछ ऐसे सबूत दिखाओ कि ये लोगों के साथ ऐसे ही करती है। और उस लड़की का भी कैरेक्टर बहुत ही अच्छा नहीं था, वो बहुत लोगों को ऐसे फंसाती थी, तो सुरेश ने वैसा ही किया। तो आखिर में ये कहानी ऐसी ही लिखी है कि ऐसे मतलब एक अच्छी आत्मा के मार्गदर्शन के वजह से वो दो जो अच्छी आत्माएं थी, उसके सुरेश और उसके पिताजी, वो एक बुरा कर्म करते हुए बचे और वो अगर करते मतलब किसी को मार डालते तो वो बहुत ही निचले स्तर पर जा सकते थे। तो ये कहानी हमें बहुत चीज़ें बताती है, ये बदले की कहानी भी है मुझे लगता है, क्योंकि कोई कहेगा कि अगर वो उसका बदला लेते हैं तो उसमें बुरा क्या है, लेकिन मैं सच कहता हूँ कि बदला इसे नहीं कहा जाएगा कि हम उसे मार डालें या फिर कुछ करें, बदला इसे कहा जाएगा कि आप दुनिया को उससे बचाएं, या फिर वो अच्छा बदला हुआ। बाकी मतलब अगर वो जी भी ली अपनी ज़िंदगी तो उस पर कोई भरोसा नहीं करेगा या फिर उस पर कोई भी विश्वास नहीं रखेगा, उसके चंगुल में कोई नहीं फंसेगा, तो ये अच्छा बदला हुआ, ना कि हम उसे मार डाल कर कि भी क्या होगा, उससे हमारा बुरा होगा। तो इस पर
हमसे यही कहते हैं कि आप इस तरह से जिए और इस तरह से अगर आपने कर्म किए तो अच्छा होगा। सबसे पहले तो मैं खुद बोलता हूँ कि कैसे ऐसे चंगुल में ना फंसे। मैं सच कहता हूँ, बहुत बार आपसे मैंने कहा है, मैं सच आज नया एक शब्द मैंने उत्पन्न कर लिया, या फिर एक बहुत ही अच्छा शब्द है कि मर्यादा में रहिए। मैंने तो उत्पन्न नहीं किया, ये पहले से ही था, लेकिन आप अपनी मर्यादा में रहिए। शादी के बाद इस तरह से अगर बातें होती है तो खुद को संभालना सीखे। मुझे पता है कि बहुत बार मुश्किल होता है ऐसी चीज़ों को संभालना। मैंने पहले ही कहा है कि काम करो और लोभ में ना फंसिए। अच्छा दोस्त आपका हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा आप ना बढ़िए, क्योंकि मर्यादा ही कहते हैं ना, श्री राम का दूसरा नाम है श्री राम। मैं उस हर इंसान को बोलूँगा जो अच्छे अपनी ज़िंदगी में जीना चाहता है, आप कोई भी धर्म के हो, आप अपने उस मतलब जीसस के या फिर अल्लाह के, मुझे लगता है कि मर्यादा अल्लाह का या फिर किसी का, जीसस का दूसरा नाम है, क्योंकि हम मर्यादा में अगर रहे तो हम भगवान के हमेशा लाडले रहेंगे और हमें कुछ भी कम नहीं पड़ने देगा। मैं आत्मलोक की बात कर रहा हूँ, पृथ्वी पर हमारे सामने, सच कहता हूँ क्या है मुझे नहीं पता। तो इस तरह से अगर हम जिए तो अच्छा होगा, भगवान के हम लाडले बनने रहेंगे अगर हम मर्यादा में रहे तो। मर्यादा में आप हमेशा रहिए, ना इस सारे चीज़ों से परे जाइए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम अपने आप को नहीं संभाल पाते इन सारी चीज़ों से, और हम कोई गलत निर्णय ले सकते हैं और वो गलत निर्णय हमें कितना मतलब निचले स्तर पर लेके जाएगा हमें नहीं पता होता। कभी कभी हम सूरज जैसे भी आत्मा मतलब कहते हैं ना कि मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है वगैरह, ऐसी बातें कहते हैं, बदले के आग में झुलसते रहते हैं, तो हमारे आत्मे क्या, हमारे हाथों से क्या हो सकता है, तो हम भी खुद भी नहीं जानते। मैं सच कहता हूँ, क्योंकि हमारे अंदर कभी कभी कुछ ऐसी बुरी चीज़ें भी होती है जिसे हम नहीं जानते, गुस्से में हम पूरी तरह से अंधे हो जाते हैं। इस तरह से हमें कर्म नहीं करने चाहिए। तो आज का जो भाग है इस पर ऋतु का, वो यही ख़त्म होता है। अगले भाग में हम मिलेंगे। अगर आपके कोई भी सवाल हो आप ज़रूर पूछें। हम इन सारी चीज़ों पर पूरी तरह से मतलब विवेचन करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों पर आप सोचें अपनी ज़िंदगी में और आगे बढ़ने की कोशिश करें, विवेकता से जिए और एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जिए। अपने जो लोग हैं उनको भी एक बहुत ही अच्छा उनका सम्मान करें, उनका उनके मतों को भी ध्यान दें, महत्व दें और उस तरह से जीने की कोशिश करें। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखने की कोशिश कीजिए। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।